हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट में उठी थी, और जब आप लेट में उठते हो ना तो दिमाग वैसे भी नहीं काम करता। मेरा तो कुछ ज्यादा ही नहीं काम कर रहा था, क्योंकि मेरे कमर में पेन बहुत ज्यादा हो रहा अभी। और तभी फोन बजता है तो बस आप समझ लीजिए कि बस कोई आने वाला है मेरे घर में। तो मैंने सोचा, देखिए मेरे चेहरे से लग रहा ना, मैं भी जस्ट सच में उठी हूँ। और जो है उनके लिए मैंने सोचा कुछ नाश्ता कुछ अलग भी बना देती हूँ। बाकी होली की चीज़ तो रखे हुए हैं, तो बस फ्रिज में मेरे पास दही रखा हुआ था और इस दही को मैंने फेंट लिया। इसके बाद उसी कप से मैंने एक कप दही, एक कप चावल का आटा ले लिया। इसको भी मैंने एकदम मिक्स करके रख दिया, और थोड़ा सा ही गाढ़ा हो गया तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। फिर उसी कप से आधा कप सूजी भी डाल दिया। सूजी मोटा महीन कोई भी हो, जो आपके पास रखा सब होली का सामान बचा था, तो मैंने उसी को आप फिर से रीयूज किया हुआ है। तो बस इसको भी घोल दिया। और देखिए तवा पे मैंने तड़का जला दिया, तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया ना फ्रेंड, निकाल लिया था। तो जीरा, हरी मिर्च दो, थोड़ा सा अदरक कटा हुआ मैंने डाल दिया, और ये तड़का मेरा तैयार हो गया। तो बस इसको मैंने घोल में डाल दिया, और थोड़ा सा नमक डाल दिया अपने टेस्ट के अनुसार। इसको ढक के रख दिया। अब भाई नमकीन की तैयारी तो हो चुकी है, कुछ मीठे की भी कर लेती हूँ। तो ये लाल प्याज रखा हुआ था फ्रेंड्स, गर्मी बहुत पड़ रही ना तो थोड़ा सूख जल्दी जा रहा है। बस मैंने इसमें मलाई डाल लिया, मलाई के साथ थोड़ी सी कुटी काली मिर्च डाल लिया, और गरी मेरे पास कटा हुआ रखा था वो भी होली का बच गया, तो उसको भी मैंने इसमें डाल दिया। और इलायची पाउडर डाल दिया, इलायची पाउडर के साथ ही साथ आधा चम्मच देसी घी डाल दिया। इसको थोड़ा सा भून लिया। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, काश मैं इसकी खुशबू आप सबको दिखा सकती, सुंघा सकती मतलब। तो बस इसको भी मैंने जमा दिया। हलवा की तरह खाइए, बर्फी की तरह खाइए, आपकी मर्जी। तो इसको मैंने सेट करके रख दिया है एक तरफ। प्रभु के बन रहे हैं अप्पे फ्रेंड्स, और मैं चटनी बना लेती हूँ। तो बस लहसुन और एक चम्मच तीखा लाल मिर्च, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक, इसको मैंने बिना पानी डाले पीस लिया। और बर्तन रखा, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर इसको डाल के भून लिया। भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच, डेढ़ चम्मच मैंने लिया है दही। इसको फेंट के मैंने इसमें मिला दिया, और बहुत टेस्टी चटनी बनी फ्रेंड्स। ये मैंने यूट्यूब पर कभी देखा था, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, और रखे हुए चीज़ों का रीयूज करती हूँ, जो कि होली में बच गया था मेरा सारा सामान। तो बस इधर मैं इसको रख देती हूँ, ये भी मेरा रेडी हो चुका है जमने के लिए। भाई भाई चिल्ला रहा है कि मुझे जमाओ पकाओ जल्दी। तो बस ये देखिए मेरा हो चुका है फ्रेंड्स, इसको निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने इनो नहीं डाला था, कि मुझे देखना था क्या फर्क पड़ता है, और खमीर काफी आ गई थी, जस्ट मैंने नहीं डाला। दूसरे वाले में देखिए मैंने इनो डाला, कलर डाला कि थोड़ा कलरफुल बनेंगे तो अच्छे लगेंगे। इसको भी रख देती हूँ। तो बस मेरा जब तक ये हो रहा, उधर ठंडा हो जाएगा तो उसको मैं कट कर दूंगी। काटने का तरीका आपका अपना कुछ भी हो सकता, आपकी मर्जी। मैंने देखिए इस तरह से काटा। मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में फर्क क्या है। मुझे तो बिल्कुल बराबर लग रहा, आप सब जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बेल बज चुकी है, गेस्ट आ चुके हैं, तो मैं लेके चलती हूँ अपना बढ़िया सा नाश्ता, और देखती हूँ उनका क्या रिएक्शन आता है। अगर वो कैमरे के सामने आना चाहेंगे तो जरूर लाऊंगी। अचानक जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, तो सच में बहुत अच्छा बना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें अपना ट्रिक यूज किया हुआ है, वो आपको आगे पता चल ही गया है क्या मैंने यूज किया है। तो बस मेरे गेस्ट आ चुके हैं, मैं लेके चल रही हूँ। फ्रेंड्स, जिस तरह से आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग को प्यार दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से मेरे फुल ब्लॉग को भी सपोर्ट करें। और मैं डेली रूटीन ब्लॉग लेके बराबर आती हूं, और नई नई चीज़ें लेके आती हूं, घर के काम करने के तरीके, स्टिचिंग, कुकिंग, बेकिंग, सब कुछ। देखिए आज आप सभी के लिए एक अच्छी सी रेसिपी ट्राई करके दिखाया कि हाँ सच में कितना अच्छा बना। तो आप सब सपोर्ट करें फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। बाय बाय।